हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आरके स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सत्ता एवं अवकलनीय का भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 1 में हम लोग ने एक सवाल किया था, बाकी बात फार्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग सत्ता से सवाल कर रहे थे, तो आज हम लोग एक सवाल सत्ता से सवाल करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग अवकलनीय से सवाल कुछ करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा सत्ता से क्वेश्चन आता है, अवकलनीय से बहुत कम आता है, लगभग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था लास्ट में, अपने ध्यान दिया होगा तो वो जो सवाल था, जिसने कर लिया अच्छा है, नहीं तो चलिए हम उसे सवाल को बता देते हैं। ठीक है, तो सवाल था, यदि fx इक्वल टू साइन 2x बट्टे एक्स, और कुछ कंडीशन दिए थे, x नॉट इक्वल 0 और x 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिए थे, तो इसे चेक करके बताना है ये सत्ता है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सत्ता को जांच करने के लिए, इसमें क्या रहता है कि जो दिया रहता है लिमिट, यदि एक्स ए तो एफ एक्स जो क्या होगा, एफ ए के बराबर होगा। ठीक है, तो जो हमारा एक्स है वो तो 0 हो गया, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा सूत्र क्या होता है, लिमिट एच 0 तक है, ठीक है, ए माइनस एच, लेकिन ए तो हमारा यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 दिया है, कंडीशन आपका दिया है कि जो एफ एक्स एक्स होगा वो क्या है, 0 है, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपली 0 रखेंगे। ठीक है, तो आपका लिमिट एच, लिमिट आपका 0 तक है, और फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको रखते हैं यहाँ पे एक्स के जगह पे, तो साइन 2 ए माइनस एच, ठीक है, एच एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस एच। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट 0 तक है, ठीक है, साइन 2, ये आपका ए तो 0 है, माइनस एच हो जाएगा आपका बट्टे 0 माइनस एच, इतना कर सकते हैं। ठीक है, इस लिमिट 0 तक, ठीक, इसको लिख सकते हैं साइन 2h अपान एच, ये लिखेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे लिमिट एच 0 साइन 2h अपान में, इसे हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 2h अपान में 2, ये ऊपर चला जाएगा, तो आगे आपका हो जाएगा लिमिट, ध्यान में दीजिएगा, लिमिट 0 तक दिया है तो ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन 2h अपान 2h, और इसका मान 1 होता है, मान 1 होता है 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये आपका समीकरण नंबर 1। इतना आप लोगों को समझ में आया, ये थे आपका LHS। ठीक है, अब हम लोग RHS पे हल करेंगे, RHS से यहाँ पे हल करेंगे, तो RHS में सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका लिमिट H 0 तक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 a प्लस एच और a प्लस एच। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, और इसे आगे हल करेंगे तो सेम प्रोसेस वही होगा जो उसका होगा है। ठीक है, तो आपका आएगा 2h अपान एच, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका RHS का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसको हम लोग सेकेंड मान लें। ठीक है, और जो हमारा fx था, ध्यान में दीजिएगा, उसे ऊपर करना था, जो fx दिया था साइन 2x अपान x दिया था,
ठीक है, यदि हम x इक्वल टू 0 रखें, ठीक है, x इक्वल टू 0 रखें, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू साइन 0, साइन 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः एल एच एस आर एच एस ये तो बराबर है, बट एफ एक्स नॉट इक्वल, ठीक है, एफ एक्स नॉट इक्वल, एफ एक्स नॉट इक्वल एल एच एस एंड आर एच एस, ठीक है, क्योंकि एल एच एस और आर एच एस का मान तो सेम आ गया, बट ये जो हम लोग एफ एक्स का मान रखे यहाँ पे, इसका 0 हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स नॉट इक्वल एल एच एस एंड आर एच एस, तो यह क्या होगा, असतत होगा, असतत होगा, ठीक है। ये था सतता से, आज का इतना ही क्वेश्चन होगा, सत्ता से ये क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट था। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अवकलनीयता होगा, ठीक है। थैंक यू।